आज हम आपको बताएंगे ऐसी मशीन के बारे में जिससे आप किसी भी मटेरियल पे लिख सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें ना तो कोई इंक लगता है और ना ही कोई कंज्यूमेबल पार्ट। और तो और, अगर आपको इसे किसी कन्वेयर पे सेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। चाहे आपको किसी पॉली बैग पे लोगो बनाना हो या करनी हो किसी भी फैब्रिक पे ब्रांडिंग, किसी प्लास्टिक बॉक्स पे प्रोडक्ट डिटेल्स लिखनी हो या बनाना हो एक्रेलिक पे किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन, तो ये सारा काम आप इस मशीन से कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेटल पे भी मार्किंग करनी है तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। और इतना ही नहीं, अगर आप वुड, MDF या फिर मिरर पे भी किसी तरह का कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये सारा काम आप सिर्फ एक इस मशीन की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे UV लेज़र मार्किंग मशीन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकैम का YouTube चैनल। आज हम आपको बताएंगे UV लेज़र मार्किंग मशीन किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होती है, साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि हम इस मशीन से किस इंडस्ट्री में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है UV लेज़र मार्किंग मशीन, कि इसमें जो लेज़र सोर्स है वो हमारी UV रेज से जनरेट होती है। जो इसका सोर्स है वो UV रेज प्रोड्यूस करता है। हम UV रेज के माध्यम से किसी भी मटेरियल पे मार्किंग करते हैं। इस मशीन का प्रयोग हम किसी भी टाइप के मटेरियल पर, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, उस पर मार्किंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा हम चाहे वुड हो, मेटल हो, स्टील हो, लोहा हो, कॉपर हो, ग्लास हो, MDF, एक्रेलिक, कोई सा भी मटेरियल हो उस पर मार्किंग कर सकते हैं। बेसिकली इस मशीन का उपयोग कोल्ड मार्किंग के लिए किया जाता है। कोल्ड मार्किंग का मतलब उस मटेरियल पे मार्किंग करने के लिए जिस पे हीट की ज़्यादा आवश्यकता ना हो। वैसे तो ये मशीन हर तरह के मटेरियल पे मार्किंग कर सकती है, पर प्रेफर ये मशीन वहीं पे होती है जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट कम से कम हो या फिर हीट की रिक्वायरमेंट ना हो। ये मशीन जो हमारे रिफ्लेक्टिव मटेरियल है जैसे कॉपर, ब्रास, गोल्ड, उन मटेरियल्स पे भी हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ये इस मशीन का एक बड़ा ही फायदा है। पर साथ ही में ये मशीन मेटल पे एचिंग या एनग्रेविंग के लिए प्रेफर नहीं की जाती। ये मशीन उन मटेरियल्स पे एचिंग नहीं कर सकती है। अब हम जान लेते हैं यूवी लेजर मार्किंग मशीन किस किस इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। वैसे तो ये हर इंडस्ट्री में यूज़ की जा सकती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मेडिकल लाइन हो, चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो, हर तरह की इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा हर मटेरियल पे मार्क कर सकते हैं। साथ ही में हम ये जान लेते हैं कि किस इंडस्ट्री में हम इस मशीन से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री की। तो मेडिकल लाइन में जो इस मशीन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो होता है किसी भी टाइप की मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट पे ब्रांडिंग करने के लिए, QR कोड या बार कोड मार्क करने के लिए, या फिर उस पर किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, चाहे वो MRP हो, एक्सपायरी डेट हो, या किसी भी तरह के उसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, रखने का कोई भी प्रोसीजर हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के बाद अगर हम फूड पैकेजिंग लाइन की बात करते हैं तो हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग किसी भी तरह की फूड पैकेजिंग के लिए कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, कांच की बोतल हो, या मेटल बॉटल्स हो, उन पे मार्किंग के लिए, उन पे ब्रांडिंग के लिए, MRP प्रिंट करने के लिए, या फिर कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इंडस्ट्री की। एक्सटीरियर में जैसे नेम प्लेट वो मेटल का भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, या किसी भी तरह का PVC, एक्रेलिक बोर्ड या फिर सनबोर्ड वगैरह कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो नेम प्लेट बनाने के लिए भी हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी किया जाता है। यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से हम मॉनिटर की स्क्रीन हो, LCD की स्क्रीन हो, या फिर उसके साइड का फ्रेम हो, उस पर मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उस पर ब्रांडिंग के लिए हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। LCD और मॉनिटर के अलावा किसी भी टाइप के फ़ोन केस पे, फ़ोन के कवर पे, फ़ोन के ग्लास पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पे जो हमें मार्किंग करनी होती है वो भी हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका और भी मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड इंडस्ट्री है जिसमें हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई लेंस हो गया या फिर चार्जर्स। इसके अलावा लेदर और फैब्रिक इंडस्ट्री में भी यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का बहुत उपयोग किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में जैसे लेदर की बेल्ट्स होती हैं, या फिर डायरीज़ के ऊपर जो हम लेदर की कवरिंग करते हैं उसके ऊपर मार्किंग के लिए भी यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़ों में जैसे कि बैग्स आ गए, कैप हो गई, या फिर और भी अलग तरह के ग्लव्स वगैरह हो गए, इन सब पे मार्किंग के लिए भी हम यूवी लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम कुछ मटेरियल्स पे अपने यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्क करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्रेलिक पे गणपति मार्क करके। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं हमारा मटेरियल पे प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। अब हम मार्क कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये रेड कलर्ड एक्रेलिक पे ये हमने गणपति मार्क किया है। ये बड़ा ही सुंदर हमारा गणपति सफ़ेद रंग में उभर के आया है रेड कलर्ड एक्रेलिक के बाद। अब हम अपनी नोटबुक पे, जैसे डायरी कह सकते हैं, डायरी पे मार्क करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चेक करते हैं हमारा मार्किंग एरिया, उसके बाद हम इसको मार्क करेंगे। अब ये हमने मार्किंग शुरू कर दी है। जैसे कि हम देख सकते हैं अब इस डायरी पे ये प्रॉपर मार्किंग आ गई है और ये बड़ा ही बढ़िया गोल्डन कलर में इफेक्ट आ रहा है। इस डायरी के बाद अब हम एक MDF बोर्ड या कार्डबोर्ड पे मार्किंग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार पहले डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं लोकेशन पे। पहले हम चेक करेंगे कि मार्किंग कहाँ पे आ रही है, उसके बाद हम इसको मार्क कर देंगे। अब ये देख सकते हैं MDF पे हमने एक छोटा सा डिज़ाइन मार्क करके ट्राई किया है कि ये इफेक्ट कैसा आता है। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है मार्क होके। हम ये देख सकते हैं, हम इस डिज़ाइन को ओनली देख सकते हैं, इसमें कोई डेप्थ नहीं आई है। इस MDF के बाद हम हार्ड पेपर पे, हार्ड या थिक पेपर कह सकते हैं, उस पर मार्किंग करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट ब्रोशर है, हम इस पर मार्क करके देखेंगे अभी। ये डिज़ाइन है हमारा, डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी है हमारा, पैरामीटर्स वगैरह हमने सेट कर लिए हैं। अब हम इस पर मार्क करके देख लेते हैं। ये हमारा मार्किंग एरिया है, हमने अपना जो ब्रोशर है वो सही लोकेशन पे सेट कर लिया है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये डिजाइन मार्क हो गया है और ये बड़ा ही सुंदर इफेक्ट आया है। अब हमारे पास कुछ सैंपल्स और हैं जिसपे हम मार्किंग करके देख लेते हैं। हम इस प्लास्टिक के डब्बे पे, जो कि एक बैंडेड का बॉक्स है, एक इंची टेप पे और एक गत्ते के बॉक्स पे मार्किंग करके देखेंगे। इन तीनों पे हम अपने कंपनी का नाम लिखेंगे। तो सभी के हिसाब से हम एक बार फोकस सेट कर लेते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। अब हम ये इस गत्ते के बॉक्स पे अपनी कंपनी का नाम लिख के देखते हैं कैसा इफेक्ट यूवी लेज़र मार्किंग मशीन के द्वारा आता है। ये देख सकते हैं हमारा हिंदकैम प्राइवेट लिमिटेड इस पर प्रिंट हो गया है। अब हम इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉक्स पे, जो कि बड़ा ही सॉफ्ट प्लास्टिक है, इस पर यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्क करके देखते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स मार्क हो गया है और ये बॉक्स में कहीं भी जलने के निशान भी नहीं आए हैं और ये बहुत ही अच्छा वाइट कलर का इफेक्ट आ रहा है। अब हम एक मेजरिंग टेप पे, जिसका आउटर ब्लैक कलर का है और हार्ड प्लास्टिक है, इस पे मार्क करके देखते हैं। तो ये हमारा पीस मार्क हो रहा है और देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक पे भी, जो कि ब्लैक कोटेड है, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आया है, वाइट कलर का दिख रहा है और इसमें भी कोई बर्न मार्क्स नहीं है। ये हमारे स्टील की शीट पे ये डिज़ाइन मार्क हो रहा है, जिसका बड़ा ही अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है।
और यूवी लेजर मार्किंग मशीन से जो हम स्टील की शीट पे मार्क कर रहे हैं, इससे हमें कोई सरफेस पे खुरदरापन भी महसूस नहीं होगा। जैसा कि अब हम देख सकते हैं, यह डिज़ाइन हमारा लगभग तैयार हो ही गया है और ये बड़ा ही अच्छा ब्राउनिश इफेक्ट इस शीट पे आ रहा है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CO2 लेजर मार्किंग मशीन के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।